दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी बचे हुए कपड़ों में से पैरदान कैसे बनाएं। ये मेरे बचे हुए कपड़े हैं, तो मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है वो 5.5 इंच कट की है। तो मैंने ये 3 कलर लिया है और ये मैंने प्लास्टिक का बोरा लिया है। आप इसमें राउंड में या स्क्वायर में किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस तरीके से इसको बना रही हूँ। जो पैरदान की लंबाई ली है मैंने, ये 20 इंच है, और जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने 13.5 इंच ली है। आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये पट्टी जो ली है मैंने, इनको मैं इस तरह से पहले डबल फोल्ड करूँगी इस तरह से। इसी तरह मैं सारी पट्टियों को डबल फोल्ड करके स्टिच डाल दूँगी। मैंने ये 3 कलर भी इसी तरह डबल फोल्ड करके स्टिच कर दिया। अभी आपको बताते हैं इस पर किस तरह से अटैच करना। इसमें मैं विदाउट फ्रिल बना रही हूँ। आप फ्रिल वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको विदाउट फ्रिल बना रही हूँ। तो जो हमारा स्टार्टिंग है, हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टार्टिंग का पीस है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करके और यहाँ पर पहले आप इस पर स्टिचिंग डाल दें, जिससे कि ये फिनिशिंग आ जाएगी इसकी। फोल्ड कर दिया। अभी जो हमारा ये जैसे ये लंबाई है, मैं लंबाई से इसको स्टार्ट कर रही हूँ और इसको मैं 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, जैसे कि हमारा प्लास्टिक का जो बोरा है वो दिखेगा। मैं निकालने के बाद मैं इसमें स्टिचिंग डालती हूँ, वो बताती हूँ। इस तरह से मैंने 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाल दिया है और इसके ऊपर स्टिचिंग डालेंगे। अभी जैसे मुझे टर्न लेना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1 फ्रिल दे देती हूँ, जिससे कि हम टर्न लेने में हमारा जो फिनिशिंग है वो बराबर से आ जाएगी। तो ये इस तरह से आएगा। तो इस तरह से मैंने 1 फ्रिल डाल के इसको टर्न ले लिया। उसी तरह हम 1/2 इंच इसको भी छोड़ देंगे। अभी फिर से टर्न लेने के लिए फिर से हम इसमें 1 प्लेट डाल देते हैं इसी तरह से। फिर से हम टर्न ले लेते हैं। प्लेट इस तरह से डालें जिससे कि ये इस तरह से दिखे। थोड़ा प्लेट ज़्यादा भी डालें, 1 इंच की भी डाल सकते हैं आप। अभी जैसे फिर से मुझे टर्न लेना है, तो मैं फिर से इसमें प्लेट डालूंगी और प्लेट डाल के फिर से इसको टर्न ले लूंगी। अभी ये हमारे 3 कोने पे इस तरह से आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी इसी तरह से प्लेट डालेंगे। तो उसके लिए हम इसको पहले कट कर लेते हैं, कट 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमको उसी तरह प्लेट दिखाना है जैसे कि हमने सभी कोने पर डाली। ये प्लेट जो है इस तरह से आ जाएगी। और जो ये पीस है, इसको हम अंदर स्टिच कर देंगे, जिससे कि ये बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। तो जो इसकी फिनिशिंग है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। मैंने पूरा 1 लाइन स्टिच कर दी है। अभी मैं दूसरा कलर ले रही हूँ, तो सेम दूसरे कलर में भी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए भी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये आप कितना चाहते हैं बाहर एक ग्रीन दिखना, आप 1 इंच चाहते हैं या 1/2 इंच चाहते हैं, उसी हिसाब से रखना। मैं इसको 1 इंच के आसपास ये छोड़ दिया मैंने ग्रीन, और फिर से इसके ऊपर सेम इसी तरह स्टिच डालूंगी जैसे कि मैंने ग्रीन में डाला है। और जो हम प्लेट डालेंगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हमारा नीचे वाले पीस में आ रहा है सेम उसी तरह आना चाहिए। मैंने सेकंड लाइन भी डाल दी है। अभी फिर से मैं ये ग्रीन कलर ले रही हूँ, तो इसको भी सेम इसी तरह जैसे मैंने 2 लाइन डाली है उसी तरह मैं इसको भी इसी तरह डालूंगी। मैंने 3 लाइन लगा दी है। अभी मैं फिर से लाइन लगा रही हूँ, तो सेम इसी तरह मैं लाइन लगाऊंगी जैसे कि मैंने 3 लगाई। जैसे मैंने हेयर लेयर लगाई है उसी तरह अभी हमारा 1 लेयर इसमें आएगा। 1 लेयर लगाने के बाद फिर से बताऊंगा आपको इसमें क्या डिज़ाइन देना है। तो हम इसको
एक लेयर और लगा लेते हैं। मैंने ये सभी लेयर लगा लिए हैं, तो ये सेंटर पार्ट है। तो अभी जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको जैसे साइड से स्टिच है, इसको हम पलट देते हैं। मैंने इसको पलट दिया है, तो ये जो सिलाई है हमारा, इसको हम सेंटर में लेंगे, सेंटर में लेके और यहाँ से भी हम इसको स्टिच कर देते हैं, जिससे कि जो फिनिशिंग है वो बराबर से आ जाएगी। तो इस तरह से मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। इसको इस तरह से सेंटर में रखूंगी। तो हम यहाँ पर इस तरह से सेंटर में रखेंगे इसको, ये बीचों बीच आना चाहिए। और उसके बाद मैं इसमें अभी प्लेट डालूंगी। तो ये प्लेट डालेंगे हम स्टार्टिंग से ही डाल देते हैं। इसी तरह मैं जितना हमारा सेंटर यहाँ तक है पूरे में प्लेट डाल दूंगी। अभी हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद ये इस तरह से आ रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।